2 किलो तेल। अस्सलाम वालेकुम फरीद जी। ये लो सामान, जो जो खाला ने कहा था सब रख दिया इसमें मैंने। मैंने कहा अस्सलाम वालेकुम फरीद जी। वस्सलाम। जरा सामान देख लूँ ना, तेल भी है, शैम्पू भी, नमक भी है, मीठा भी है, प्यारा भी है, मसाले सब है, सब है। पैसे, अल्लाह पैसे तो मैंने टेबल पे रख के। कोई बात नहीं, तू अगर पैसे अभी नहीं है तो कल दे देना, अब जाए यहाँ से। हाय अल्लाह, आपका तो बस ना चले, आप तो मुझे धक्के दे के निकालें। तेरे तेवर देख के ना कहीं मुझे मोहल्ले वाले यहाँ से धक्के देकर बाहर ना निकाल दें। अगर मेरी जनानी को पता लग गया ना कि तू यहाँ पे आके अटकलियाँ करती है तो बड़ा मसला हो जाना है। बड़ा डरते हैं बीवी से। शरीफ आदमी ने डरना ही है, और की करना है। शरीफ आदमी कंजूस भी होता है, बंदा 500 दा इजी लोड ही करा देता है। क्यों? ए भाई। अच्छा ठीक है मेरी माँ, मैं तेरा इजी लोड करा दूंगा, अब तू जा यहाँ से निकल। पक्का करा देंगे? जाऊँ? हाँ जा, खुदा दा वास्ते निकल यहाँ से। भूल न जाना फरीद जी, इजी लोड करा देना। जा रही हूँ, अल्लाह हाफिज। इन्हे कोई चंद चाड़ना है। साहब हम आपको पहले ही बता चुके हैं, इसके अलावा हमारा उससे कोई ताल्लुक नहीं था, वो भी बस अपने मतलब की थी, हम दोनों में से कोई भी संजीदा नहीं था। हम उससे दुकान के अलावा कहीं और नहीं मिले, उसके गायब या भागने में हमारा कोई याद नहीं, साहब कोई याद नहीं है। उसने तुझे अपना फोन ठीक करने के लिए दिया था? हाँ। तूने उसमें से डेटा निकाला था? नहीं साहब। छोड़ दे। तूने डेटा निकाला था और वो तूने कहीं छुपा दिया। उसमें उसकी तस्वीरें भी थीं और वीडियोस भी थीं जो बहुत प्राइवेट थी। उसमें ज़रूर कुछ ऐसा था जिसके बाहर आने के डर से वो तुझसे ब्लैकमेल हो रही थी और तू उसे ब्लैकमेल कर रहा था। अब तू ये सारी बातें तोते की तरह खुद बताएगा या सारे सच मैं बताऊं? प्लाज दे। रेस में खुद टाइट करूंगा। मेरे पास कुछ भी नहीं है साहब, ना लैला के बारे में कोई खबर, ना ऐसा कोई डाटा। तू कर रहा था उसे ब्लैकमेल, उस बेचारी ने कहीं से जुगाड़ करके 2 लाख रुपए तेरे मुंह में डाले, लेकिन तब तक तुझे पैसों की और लालच हो गई थी, तूने और पैसों का मुतालबा किया होगा। किया था ना मुतालबा? नहीं साहब, नहीं नहीं मांगे थे। तूने मांगे थे और पैसे, जब वो नहीं दे सकी होगी तो उसने कहा होगा कि वो तेरी ब्लैकमेलिंग को सामने ले आएगी, जिसके डर से तूने उसे अपने रास्ते से हटा दिया, यही हुआ है। झूठ है ये साहब, गलत इल्जाम है मुझ पे। अब शोर शराबे से कोई फायदा नहीं है, चुप करके वो सारी चीजें मेरे हवाले कर दे, जिससे ये साबित होता है कि उस लड़की के बहुत सारे मर्दों से ताल्लुकात थे। कहाँ है वो सारे सबूत? असल बात मैं आपको बताता हूं, और अपने बच्चों के बल्कि अल्लाह रसूल की कसम के सच बताऊंगा।
ब्लैकमेल मैं उसे नहीं कर रहा था, वो मुझे ब्लैकमेल कर रही थी और इस बात का सबूत है मेरे पास, है मेरे पास सबूत। ये क्या बकवास है ये? हाँ, क्या बकवास है? फरीद जी, इतने वक्त बाद तो आपका दीदार हुआ है। बकवास बंद कर और मुझे बताइए, तूने मेरी प्राइवेट तस्वीरें कहाँ से ली? कब ली तूने ये? आपकी तस्वीर ना मेरे दिल पर छा गई, उसको देखे बगैर ना मेरा सूरज ढलता है ना ही चंद चढ़ता है। ओ कितनी घटिया औरत है तू, अभी जाके तेरी करतूते तेरे मंगेतर को बताता हूँ। उस मौके को तो ना मुझ पे बड़ा भरोसा है और वो अभी काम पे भी गया है, लेकिन ये तस्वीरें तुम्हारी अगर मैंने मोहल्ले सारे को दिखा दी तो तुम तो किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहोगे। बदकरदार औरत, क्या चाहती क्या है तू? अब क्या आंखों से दिल में उतारोगे? एक दो, 2 लाख रुपए। क्या? 2 लाख रुपए नकद दे दो, तस्वीरें मैंने डिलीट कर देंगी। Thank you.